तो अगर आपने चेक किया होगा कि जो हर WWE का सुपरस्टार है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, इनफैक्ट काफ़ी सारे सोशल मीडियाज अकाउंट के ऊपर ब्लैक आउट ट्यूजडे करके एक पोस्ट डाल रहा है। और असली में क्यों WWE के सुपरस्टार्स यानी कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रोंडा राउजी, सारे WWE के सुपरस्टार इस चीज़ को कर रहे हैं सपोर्ट। ब्लैक आउट ट्यूजडे क्या है पूरी चीज़, जॉर्ज फ्लोराइड की क्या है पूरी स्टोरी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जरूर से करेंगे डिस्कस, क्यों WWE के सुपरस्टार इस चीज़ को कर रहे हैं सपोर्ट। इस हफ्ते की रॉकी क्या रही व्यूवरशिप, इसके बारे में भी जरूर से करने वाले हैं बात। जिमी एंड जे उसो के WWE फ्यूचर को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। विकी गरेरो हो चुकी हैं अब WWE की तरफ से बैन। रे मिस्टीरियो हो सकते हैं इन्वॉल्व काफी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के अंदर। रॉब ग्रोवांस्की को मिल चुका है WWE की तरफ से रिलीज। काफी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को हम लोग इस बार शुरू करेंगे ड्रेक मैवरिक के साथ, जो कि भी फिलहाल NXT के क्रूजरवेट टाइटल टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। हमने क्या देखा था, WWE ने उन्हें रिलीज दे दिया था, उसके काफी इमोशनल वीडियो भी आई थी उनकी तरफ से उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। लेकिन आपको बता दूं रिसेंटली डेव मेल्टर ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली अब जो WWE है उसने रीसाइन करवा लिया है ड्रेक मैवरिक को WWE के साथ, क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स ये नहीं थे कि जो ड्रेक मैवरिक है आपको फाइनल्स के अंदर दिखाई देंगे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जैसे ही WWE ने उन्हें फाइनल्स के अंदर इंसर्ट किया, ऐसे र्यूमर्स निकलकर सामने कि ड्रेक मैवरिक ने भी WWE के साथ एक न्यू डील साइन कर ली, तो काफी अच्छी बात है ड्रेक मैवरिक के लिए कि उनकी जो नौकरी है वो WWE की तरफ से नहीं गई। और देखते हैं क्या फाइनल्स के अंदर वो इस टूर्नामेंट को आगे जीत पाते हैं या फिर नहीं, और क्या वो बन पाते हैं NXT क्रूजरवेट चैंपियन। नेक्स्ट अपडेट जो हमारी है गाइस वो इस बार जुड़ी है रॉब ग्रोवांस्की के बारे में, जो कि है फॉर्मर 24/7 चैंपियन। हमने क्या देखा इस हफ्ते WWE के रॉ के एपिसोड के अंदर किस तरीके से आर्ट रूथ ने एक बार भगवान की दुआ से रीगेन कर ले 24/7 चैंपियनशिप। लेकिन आपको बता दूं रिसेंट ऐसी अपडेट्स आ रही है सामने कि इसके बाद ही तुरंत रॉब ग्रोवांस्की को WWE की तरफ से रिलीज मिल चुका है, क्योंकि WWE उनके साथ और आगे काम नहीं करना चाहती। आपको बता दूं एक्चुअली में प्लान्स ये थे कि जो रॉब ग्रोवांस्की है वो समर स्लैम के शो में भी रेसल करते, सऊदी अरेबिया का जो इस तरह का शो होता वहां पर भी करते रेसल। लेकिन कह सकता हूं चीजें जो है वो रॉब ग्रोवांस्की और WWE के बीच सही से जमी नहीं, जिसके कारण मैं कह सकता हूं WWE ने रॉब ग्रोवांस्की को WWE कंपनी की तरफ से कुछ ही महीनों बाद दे दिया रिलीज। तो गाइस इस स्टोरी के बारे में आपका क्या सोचना है ऑफकोर्स नीचे मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के बारे में। एंड ड्रू मैकइंटायर WWE रॉ के एपिसोड में जाते रहते हैं ऑफ स्क्रिप्ट, यानी कि अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स वो करते रहते हैं रॉ के एपिसोड में। तो आपको बता दूं रिसेंटली उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील की है कि ड्रू मैकइंटायर जो है यानी कि जो आप सभी के WWE चैंपियन है, उन्हें पूरी तरीके से परमिशन है कि वो कभी कभार WWE के रॉ के एपिसोड के लाइव में भी ऑफ स्क्रिप्ट जा सकते हैं अगर वो स्क्रिप्ट सोचें कि इसके बाद ज्यादा अच्छी बन जाएगी। एंड यहां पर विंस मैकमैन की भी परमिशन मिली है ड्रू मैकइंटायर को, क्योंकि विंस मैकमैन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो कहते हैं ओके तुम WWE स्क्रिप्ट के अगेंस्ट जा रहे हो लेकिन तुमने प्रोमो काफी अच्छा कट किया। इसी के चलते जो ड्रू मैकइंटायर है वो भी फिलहाल WWE के टॉप फेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो विंस मैकमैन है उन्होंने भी उन्हें ऑफ स्क्रिप्ट जाने की परमिशन दी है, तो काफी अच्छी बात है। और देखते हैं ड्रू मैकइंटायर का खुद का कुछ क्रिएटिव कंट्रोल अच्छा दिखा पाते हैं रॉ के एपिसोड में या फिर नहीं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है 619 रे मिस्टीरियो के बारे में। हम सभी ने देखा किस तरीके से इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में रे मिस्टीरियो के बेटे यानी कि डोमिनिक ने ये बात कह सकता हूँ कही सेथ रॉलिंस को कि एक आई फॉर एन आई अब होने वाला है, यानी कि अगर तुमने रे मिस्टीरियो यानी कि उनके पापा की आंख ली है तो सेथ रॉलिंस अब डोमिनिक तुम्हारी आंख भी लेने वाला है। लेकिन आपको बता दूं काफी कह सकते हो तगड़ी अपडेट आ रही है सामने इसको लेकर के आने वाले टाइम में क्या स्टोरी लाइन होने वाली है। आपको बता दूं ऐसी अपडेट आ रही है कि रे मिस्टीरियो आप सभी के काफी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि जो 619 रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक हैं वो अपने डैड यानी कि रे मिस्टीरियो पर ही अटैक करते हुए नजर आए एंड वो सेथ रॉलिंस के जो मेंबर हैं फोर्थ मेंबर बनते हुए नजर आए उनके फैक्शन के, जो कि काफी शॉकिंग चीज होगी। और मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो की काफी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी लाइन जरूर होगी कि भाई अगर बाप को बेटा ही मारने लग जाए तो आप सोचो खुद कितना अजीब लगेगा इस चीज को देख के। एंड काफी कह सकते हैं इमोशनल स्टोरी के अंदर WWE भी फिलहाल रे मिस्टीरियो को करना चाहती है इन्वॉल्व। अगर आपके हिसाब से अगर ये स्टोरी लाइन रहती है WWE के अंदर तो आपके हिसाब से क्या सही रहेगा या फिर नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है जेसन जॉर्डन के बारे में। एंड जेसन जॉर्डन की WWE रिटर्न को लेकर एक काफी बड़ी या फिर रिपोर्ट आ चुकी है सामने। तो आपको बता दूं रिसेंटली एक बैक स्टेज रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट होता है जहां पर जो सेन रॉस सैप है वो इस बात को रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल WWE का कोई भी टाइम टेबल नहीं है कि WWE ने कब जेसन जॉर्डन को एक बार फिर से टीवी के ऊपर रिटर्न करवाना है। हमने देखा था एक काफी छोटी मोटी अपीयरेंस उनकी दिखाई दी थी स्मैकडाउन के एपिसोड में जब वो इंसिडेंट हुआ था जेफ हार्डी वाला। लेकिन आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि WWE ने उन्हें स्मैकडाउन की टीवी पर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो एक बार फिर से WWE के अंदर करना चाहते रिटर्न, बल्कि कोई और रीजन था जिसके कारण जेसन जॉर्डन आप सभी को उस दिन स्मैकडाउन के अंदर आते हुए नजर आए थे। एंड मैं कह सकता हूं अभी फिलहाल दूर दूर तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि जेसन जॉर्डन वो इस साल रिटर्न करेंगे अगले साल रिटर्न करेंगे। बाकी देखते जेसन जॉर्डन क्या कभी भी WWE
कंपनी के अंदर हमें रिटर्न करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। हमारे जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस, वो इस बार जुड़ी है द शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर के बारे में एंड डॉल्फ ज़िगलर के WWE के काफी बड़े माइलस्टोन या फिर कौन अचीवमेंट के बारे में जो कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया था पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइक एपिसोड के अंदर। तो आपको बता दो, फिगर 4 ऑनलाइन डेली की तरफ से काफी तगड़ा कह सकता है कॉलम अपडेट हुआ उनका, जहां पर उन्होंने ये बात रिवील किया जो डॉल्फ ज़िगलर हैं उन्होंने टोटल 500 मैचेस लड़ लिए हैं एज अ सिंगल सुपरस्टार जब से उन्होंने WWE को ज्वाइन किए 2006 से। तो काफी कह सकते हो बड़ा अचीवमेंट कि आपने 500 मैच के अंदर ही कर लिए रेसर। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर कि उन्होंने 500 मैचेस WWE के अंदर अपने तगड़े तगड़े रेसल किए, और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जो उनका फ्यूचर है वो भी WWE के अंदर काफी अच्छा जरूर से जाए। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है गाइस, वो इस बार जुड़ी है WWE नेटवर्क के बारे में एंड WWE नेटवर्क हो चुका है फ्री, ये बात कह सकता हूँ काफी सारे लोगों को पता होगी। लेकिन आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करने वाला हूँ कि इस फ्री नेटवर्क के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो आपको बता दूं जो रॉ टॉक का शो है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा जो कि फ्री नेटवर्क है WWE का। मंडे नाइट ऑफ वॉर्स आपको इसके अंदर दिखाई देगा, WWE राइड अलोंग हमें इसके अंदर दिखाई देगा, टेबल फॉर थ्री का जो WWE का स्पेशल शो होता है वो भी इसके अंदर आपको दिखाई देने वाले, WWE फोटोशूट भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा, WWE स्टोरी टाइम भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। जो हफ्ता निकल चुका है रॉ स्मैकडाउन लाइव एंड NXT का उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ में काफी सारे जो हिस्टोरिकल पेपर व्यूज हैं जैसे WWE के हो गए एंड बाकी सारे इवेंट्स हो गए उनकी जो कह सकता हूँ पिछले इवेंट्स हो चुके हैं, ना कि जो लाइव वाले बल्कि जो पिछले इवेंट्स हो चुके हैं वो भी आपको WWE के फ्री नेटवर्क के अंदर मिलने वाले हैं। काफी सारी और भी चीजें मिलेंगी अगर आप साइन अप करते हैं WWE के ऑफिशियल नेटवर्क के ऊपर। इसके अलावा जो 9.99 का भी फिलहाल WWE का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि WWE के पेपर व्यूज का NXT या फिर सारे शोज को लाइव देखना चाहते हैं। तो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप 9.99 वाला ले सकते हो, वरना आप मेरे हिसाब से WWE का जो फ्री नेटवर्क है वो भी साइन इन कर सकते हो अगर आपको बाकी शोज का भी मजा लेना है। हमारी जो गाइस नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉक के एपिसोड के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस हफ्ते जो रॉक का एपिसोड था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बोरिंग था। अब देखो मैं कमाल का बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूँ, ऐसे के चलते मैंने चैनल पर वीडियो भी नहीं अपलोड की थी, मुझे लगा भाई क्या एपिसोड किया इसके भी कह सकता हूँ वीडियो भी क्या ही अपलोड करूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना शार्लट फिर मदद कर पाई, ना ही एज मदद कर पाए, और ना ही जो क्राउड था बैठा वो मदद कर पाए WWE के व्यूवरशिप को वापस लाने के अंदर। क्योंकि आपको बता दूं जो इस बार व्यूवरशिप आई है वो आई है 1.728 मिलियन व्यूवर्स, जो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 1.74 मिलियन व्यूवर्स, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले भी व्यूवरशिप और ज्यादा कम है एंड मुझे ऐसा लगा था कि भाई इस हफ्ते व्यूवरशिप बढ़ेगी। लेकिन आपको बता दूं जो तीसरा घंटा रहा रॉक एपिसोड का उसके अंदर जो व्यूवरशिप है वो काफी ज्यादा डाउन जा चुकी है, क्योंकि वहां पर तीसरे घंटे में व्यूवरशिप आई थी 1.571 मिलियन व्यूवर्स। तो मैं कह सकता हूं WWE कुछ ढंग का दिखा नहीं रही है, एज रैंडी ऑटन इन सबको ले तो आती है लेकिन यार उनका ढंग से यूज तो करो, बार बार आप प्रोमो सेगमेंट कट करवा देते हो, शॉन माइकल आते वो भी इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुछ चीजें जम नहीं रही है WWE के अंदर जिसके कारण जो रॉकी व्यूवरशिप है वो काफी ज्यादा कम जा रही है। इनफैक्ट स्मैकडाउन लाइव एपिसोड इस रॉकी एपिसोड के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन था। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है विकी गरेरो के बारे में, हमने देखा रिसेंटली जो AEW का शो हुआ था या फिर जो पेपर व्यू हुआ था वहां पर विकी गरेरो भी हमें दिखाई दी थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये भी बात पोस्ट की थी, वो काफी ज्यादा खुश है AEW के साथ काम करने के बाद। तो आपको ये बात बता दो रिपोर्ट्स का ये मानना है कि अब WWE बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आने वाले टाइम में विकी गरेरो के साथ बिल्कुल भी बिजनेस करे, इसी के चलते आने वाले टाइम में कभी भी आपको विकी गरेरो अब WWE कंपनी के अंदर दिखाई नहीं देने वाली है एंड WWE ने विकी गरेरो को WWE कंपनी की तरफ से कर दिया गया है बैन। तो काफी बुरी खबर है विकी गरेरो के लिए कि अगर आप AEW में चाहती हैं तो WWE के अंदर वापस आना आपके लिए एकदम नामुमकिन हो जाता है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है जिमी एंड जे उसो के बारे में या फिर कौन थी उसो के बारे में एंड उनके WWE फ्यूचर को लेकर रिसेंटली क्या अपडेट आई है सामने। तो आपको ये बता दो रिंग साइड न्यूज़ ने ये बात रिपोर्ट की है कि जो जिमी एंड जे उसो है यहाँ पर उन दोनों को बिल्कुल भी पुश नहीं मिलने वाला जब तक जिमी उसो रिटर्न नहीं कर लेते एंड जे उसो को एज अ सिंगल सुपरस्टार WWE आने वाले टाइम में कोई भी पुश नहीं देने वाली है। जैसे उनके भाई यानी कि जिमी उसो रिटर्न करेंगे तभी जे उसो को भी पुश मिलने वाला, यानी कि अगर जे उसो अकेले WWE के अंदर रह रहे हैं तो उनको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। WWE हो सकता है प्रोबेबली उन्हें कोई 6-man टैग टीम मैच, कोई 8-man टैग टीम मैच, कोई बैटल रॉयल अंदर ही डालती रहे लेकिन ढंग से उनका WWE यूज तब तक नहीं करने वाली जब तक उनके दोनों भाई जो जिमी उसो है वो रिटर्न हमें नहीं करते हुए नजर आ रहे। हमारी जो फाइनल स्टोरी है गाइस वो जुड़ी है इस बार ब्लैक आउट ट्यूसडे के बारे में। अब ये सारी चीजें आप सुन रहे होगे साथ ही साथ इस अंकल की आप फोटो देख रहे होगे जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, इनका नाम है जॉर्ज फ्लोरिड। अब इनकी जो स्टोरी है मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये जो बंदा जो कि 46 साल का है वो मिनियापोलिस आया था काम वगैरह ढूंढने के लिए। अचानक से क्या होता है मिनियापोलिस के अंदर एक शॉप होती है
वहां पर यह बंदा $20 की फेक नोट के साथ पाया जाता है। जी हाँ, नकली नोट के साथ पाया जाता है जो कि होती है $20 के भी फिलहाल। लेकिन आपको बता दो, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि जो सही में वो डॉलर था $20 वो फेक नोट थी या फिर नहीं, बल्कि ये जो सारी स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूँ वो पुलिस के द्वारा दी गई है एंड जो बाकी लोगों ने वहां पर देखा उसके द्वारा कह सकता हूँ ये स्टेटमेंट ऑनलाइन अपलोड हुई है। आपको बता दो, ऐसा माना जाता है कि उनके पास $20 की एक फेक नोट पाई गई। आपको जैसे मैंने बताया, वो मिनीपोलिस से यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आए थे, यहाँ पर उनके पास $20 की फेक नोट पाई जाती है। एक पुलिस आती है और जो पुलिस वाला बंदा होता है उसका नाम होता है चौविन, वो क्या करता है इस बंदे को या फिर जो जॉर्ज फ्लोरेंट है 46 साल के, उनको लेटाता है जमीन के ऊपर और अचानक से उनके सिर पर काफी लगातार 8 बार हमला कर देता है। अब आप सोचोगे कि भाई कितना ब्रूटल हमला किया उस बंदे ने, 8 बार अगर सिर पर किसी बंदे के मारोगे बंदा ऑफकोर्स है मरी जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इस सभी को देखने के बाद कुछ बंदे वीडियोस वगैरह भी कर लेते हैं इसको लेकर रिकॉर्ड एंड उसके बाद वो सोशल मीडिया पर कर देते पोस्ट, जिसके कारण ये चीजें काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन आपको बता दो, जो पुलिस वाला था वो तो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ में इसके 3 ऑफिसर्स और थे जो कि साथ ही में सस्पेंड हो चुके हैं। उसके बाद बता दो आपको, जो जॉर्ज है उनको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया जाता है जब उनके लगातार 8 बार सिर के ऊपर पड़ जाती है पुलिस वाले की तरफ से एंड उसके बाद हॉस्पिटल में आकर ये बात पता लगती है कि जो जॉर्ज है वो डेड हो चुके हैं। आपको ये बात बता दो, जॉर्ज की एक बेटी भी है छोटी सी, साथ ही साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी है, उनकी एक वाइफ भी है जो कि इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा निराश है पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरीके से गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें चला रही, क्योंकि जो चौविन है यानी कि जो पुलिस वाला उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक किया उनके ऊपर, एक तरह का मैं कह सकता हूँ 3rd degree temperature आप जिसे कहते हो, वो सारी चीज़ें उन पर ट्राई की हैं एंड सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक $20 का फेक नोट पाया गया। अब देखो, लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर जो पुलिस है उसने सारी इसलिए की हैं चीज़ें क्योंकि वो एक ब्लैक बंदा था, यानी कि आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन एक टाइप यहाँ पर हो रहा है और ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कलर डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कारण जो बंदे हैं उनका कहना ये है कि जो काले लोग हैं यानी कि जो ब्लैक लाइफ है वो भी इस दुनिया के अंदर ज़रूर से मैटर करती हैं। और ये बात नहीं है कि पुलिस के पास जोर है, उनके पास दम है तो किसी ना किसी तरीके से ब्लैक लोगों की जान ले लेगा और जो सफ़ेद गोरे लोग हैं उनको ऐसे ही छोड़ देगा। तो आपको बता दूँ, इसी के चलते सारे जो WWE सुपरस्टार है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ, जो ब्लैक लाइव्स हैं वो करती हैं मैटर। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी WWE सुपरस्टार ने इस चीज़ को सपोर्ट की है। रेसिज्म को लेकर इस WWE के सुपरस्टार ने इसके अगेंस्ट में खड़े, WWE ने इनफैक्ट अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी इसको लेकर स्टेटमेंट डाली कि जो सारा रेसिज्म हुआ है इनके साथ है काफ़ी ज़्यादा गलत है, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है। इसी के चलते WWE भी पूरी तरीके से इस चीज़ का सपोर्ट कर रही है और आपको बता दूँ WWE के जो सुपरस्टार्स हैं वो भी इस चीज़ का तगड़े तरीके से कर रहे हैं सपोर्ट। तो अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाइए, ब्लैकआउट ट्यूसडे करके एक फोटो पोस्ट करिए जो कि एकदम स्क्रीन ब्लैक होगी। इवन आपको बता दूँ, USA के अंदर भी काफ़ी सारे हो रहे हैं प्रोटेस्ट, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ ये सारी चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मुद्दा बना दिया अमेरिका के ऊपर। अब जो मैं कहूँगा, जो लॉकडाउन है कोरोना वायरस हो गया भाड़ में, क्योंकि अब जो जनता है वो जॉर्ज फ्लोराइड का इंसाफ चाहते हैं और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ और देखते हैं भाई कब तक जो जनता है या फिर कहूँ जो सारी पूरी दुनिया है वो इस चीज़ के अगेंस्ट खड़ी होती है, कब तक जो गवर्नमेंट है सही स्टेप्स लेती है इस चीज़ को लेकर कि भाई जो काले लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी ज़रूर से मैटर करती है। अब देखो, मैं ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बनना चाहता और ये इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड। लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, अगर आपको पूरा मुद्दा समझ आ गया तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। आप चैनल पर नए तो कर सकते हैं ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।